सुबह सवेरे कुछ इस तरह का पाना का। तो गाइस बना चुके भाई मुरब्बा, तो हम खा रहे हैं यहाँ पर ये वाला साथ में हमारे पास नमक है। ये देखिए मना कर रहे हैं चेतन भाई, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बस अभी नहा धो के निकले, ब्रेकफास्ट कर लिया तो बाल बाल सुखा रहे हैं, धूप में थोड़ी सी धूप है तो बस व्लॉग भी एडिट करने। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, आप सभी को प्यारी सी गुड इवनिंग। तो इस टाइम 3:30 बज गए हैं। तो गाइस ये हमारे ताई जी और ताई जी ने हमें थाली लगा दी है, तो आज यहाँ पर चाचू जी का जन्मदिन है। तो ये ताई है, मम्मी ये यहाँ पर है, मम्मी हेलो बोल दो एक बार, दोनों लोग एक बार। ये देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पर कड़ी बनी है, और यहाँ तो गाइस फिर हम कड़ी, तो ये हमारा घर, ये देखिए। तो इस तरह का है कुछ मौसम आजकल पहाड़ों में, धूप ही धूप लगी है। तो यहाँ पर आ गया था मैं फिरकी बदलने, तो फिरकी बदल रहा हूँ। तो यहाँ पर किसान बागवान लगे हैं, काम कर रहे हैं हमारे डोगर जी और वहाँ पर भीम कौशल जी। गाइस पहुँच चुका है खड़ में, तो लकड़ी ले जाने आए हम यहाँ पर, देख सकते हो आप ये काटने हैं मुझे। तो यहाँ पर खड्ड है और धूप भी बिल्कुल जा चुकी है इधर से। The next day. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले कल वाला अपना व्लॉग देखा है, तो मैं वहीं से अगला नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल पांगना में तो जा रहे हैं घर की ओर, तो मौसम में देख सकते हो पीछे सुबह सवेरे कुछ इस तरह का पांगना का माहौल। 8:30 हो चुके हैं, तो अभी दुकानें बंद ही है सबकी गीठ ठंड के कारण। वहाँ नीति भाई गुड मॉर्निंग। तो अभी इनकी दुकान बंद ही, अभी आज ही थोड़े लेट हैं क्योंकि मौसम आज ख़राब है तब करके। तो भाई फिर से पी रहे हैं चाय और बाहर देख सकते हो। तो ये लग गई है पेगल बस, तो पेगल बस में निकलेंगे जा रहे हैं हम। तो भाई बस निकल रहे हैं, तो बस खाली है और मेरी फेवरेट सीट आपको पता ही है, मैं पीछे बैठता हूँ, तो आगे देख सकते हो आप। तो भाई कपड़े वपड़े चेंज कर दिया, अभी मेरे को जाना है कि तो मैं बाइक के घर आया, तो बाइक के घर में चार्जिंग लगा देंगे फ़ोन, तो जाएंगे तो देखता हूँ किसी के फ़ोन से मैंने वहाँ पर शूट कर दिया तो मैं दिखा दूंगा आपको, नहीं तो फिर बाद में। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, तो ये देखिए गाइस मौसम। बस अभी नहा धो के निकले, ब्रेकफास्ट कर लिया तो बाल बाल सुखा रहे हैं, धूप में थोड़ी सी धूप है, तो बस व्लॉग भी एडिट करने को है मुझे, तो बैठता हूँ व्लॉग एडिट करता हूँ और शाम तक उसको अपलोड कर देता हूँ। तो कुछ होंगे सीन मेरे को दिखाने के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा, और नहीं तो फिर इस व्लॉग को भी एंड यहीं पर करना पड़ेगा। तो कल रात को हमने बहुत इन्जॉय किया, जो पिछले वाले व्लॉग पे ना, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपने देखा नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिल जाएगा। तो गाइस बस मैं सोकर उठा, चाय वाय पी और आ गया हूँ खेत की तरफ, तो आप देख रहे हो बाल बोल इग्नोर करना। तो अभी मैं पनियाड़ू में, तो हमारी ज़मीन आधे से ज़्यादा इधर, तो हम आए हैं लकड़ी ले जाने, यहाँ से पिताश्री ने लकड़ी करके रख दी है, तो मेरे को ले जा लकड़ी घर की ओर, क्योंकि ठंडा मौसम है बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हो आप बादल ही बादल है। तो चले जा रहे हैं हम अभी पिताश्री के पास पहुंचेंगे, देखते हैं कौन से खेत में होंगे। मैंने फ़ोन तो लगा दिया था उनको, बोल रहे कहीं पुलिस आड़े। तो गाइस जैसे मैं पता चला कि यहाँ से लेकर वहाँ पीछे तक हमारी ज़मीन है, तो पिताश्री यहाँ पर कर रहे हैं, तो पिताश्री यहाँ पर लकड़ी काट रहे हैं, तो मैं इन लकड़ियों को गेटे में डाल दूँगा और निकल जाऊँगा क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। ये देखिए और ये पनियाड़ू गाँव। तो गाइस हमने किल्टा उठा दिया है, बहुत ज़्यादा भारी है, तो रात भी काफ़ी हो चुकी है, तो मिलते हैं आपसे अब घर में। तो आज खाने में आलू और यहाँ पर थोड़ा सा रख दिया है हलवा और चपाती। देखिए The next day. तो गाइस मैं आऊँ गाय को पानी पिलाने, तो गाय को पानी पिला रहा हूँ, तो ये भी एक है और ये भी है, तो इनकी माँ है और ये बच्ची है और ये भी बच्ची है, तो हमने इनको पत्तियाँ लगाई और मैं पानी पिला रहा हूँ, तो अभी तक नहाया भी नहीं हूँ, तो अभी जाएंगे बस नहाएंगे। तो आज कैसे नहीं बोल रहा हूँ कि आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, इस टाइम में पिछले कल वाला ब्लॉगर ये साथ में ही आएंगे। तो आज है मतलब इस साल में बहुत से एक्सपीरियंस किए, बहुत से लोग मिले, मतलबी लोग मिले, अच्छे लोग भी मिले, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, मतलब कि क्या क्या होता है ज़िंदगी में। तो गाइस मैं जस्ट नहा धो के निकला, तो टाइम हो गए हैं 1:21, तो अभी हम जा रहे हैं कुत्ते के पास, तो हमने कुत्ते को दे दिया था, मैंने घर में फ़ोन लगा था चार्जिंग को, तो एक भाई साहब थे हमारे भत्तर सिंह जी, काफ़ी लोग जानते उन्हें डीजे भत्तर, तो भाई कुत्ता मांग रहे थे एक, उन्होंने हमारी वीडियो देखी तो भाई को कुत्ता पसंद आ गया, तो हमने कुत्ता दे दिया उन्हें। तो गाइस बस बैठ गए हैं धूप में, तो अभी जाना है हमें शाम को लकड़ी लानी है जंगल से, तो आज
मतलब कुछ खास दिन ऐसे कुछ, क्योंकि आज साल का लास्ट दिन है, तो फर्स्ट दिन से लास्ट दिन तक मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या किया। तो उन मेमोरियों को याद कर रहे हैं हम, उन लोगों को याद कर रहे थे जिन्होंने इस साल मेरा साथ दिया, और जिन्होंने छोड़ के भी चले गए उनको भी धन्यवाद, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीख लिया ज़िंदगी से। अब आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, अब कुछ काम करेंगे, खुद का काम करेंगे, सोच रहे हैं कुछ। ज़िंदगी मतलब चल तो रही है, पर वो स्वाद नहीं आ रहा ज़िंदगी का जो आता है। तो अभी देखते क्या बनता है 2023 में, कुछ करेंगे, अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको पता है हमने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, ना करेंगे। तो यहाँ से तो है तो अपने भाई, लेकिन हम जाएंगे, अगर कुछ भी ऐसा होगा, अगर कुत्ते को नहीं वो सेवा नहीं कर पाएंगे तो हम वापस लाएंगे उसको। तो एक महीने तक देखते हैं, क्योंकि मैं उनके जाता हूँ बिल काटने, वैसे मैं जानता हूँ कि घर में कोई कमी नहीं है, पर फिर भी कुत्ता में वहाँ परेशान दिखा दिया तो हम वापस लाएंगे। हमारे पास अब 4 बज गए, एक कुत्ता है उसमें से और 3 कुतिया। अगर आपको लेनी है तो कमेंट सेक्शन में बता दें, मतलब बहुत अच्छी नस्ल की है, बहुत ही अच्छी ब्रिड है। तो अगर आपको लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मैसेज करें। और ये हमारा पहाड़ देखिए क्या बात है, और धूप लगी है। तो गाइस बना चुके हैं भाई मुरब्बा, तो हम खा रहे हैं यहाँ पर ये वाला, साथ में हमारे पास नमक है। ये देखिए मना कर रहे हैं चेतन भाई, अभी नहीं बनाया। ये देखिए ये हमारे एडिटर भाई है, हमारी एडिटिंग करते हैं वीडियो, लेकिन ये अपना चेहरा रिवील नहीं करना चाहते। जब ये कहते हैं कि जब तक हमारे 2000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो अब जल्द से जल्द 2000 सब्सक्राइब करो, फिर इनका चेहरा देखो। तो गाइस शाम के 4:30 हो चुके हैं, और इसकी है हलवा और चाय, और धूप भी यहाँ से लगभग जा ही चुकी है। तो हमारे भाई ने किया जुगाड़, देख सकते हो आप क्या बात है। तो गाइस देख रहे हैं हम CID वहाँ पर, और देखिए क्या बात है, ये देखिए क्या बात। और बाहर हम जाएंगे थोड़ी देर में, अंधेरा काफ़ी हो चुका है, ये हमारा स्टूडियो है। तो गाइस आज हम अपने बड़े भाई के घर में हैं, तो इनके लड़के का कल जन्मदिन है। तो ये ताई जी है, और ये भाभी है, और पीछे और ये बन रही है पार पूरियाँ, और इसे पीछे भी रख दिया गंडे आलू, और उधर गंडे को चालू। तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, तो आपके घर में खुशियां हैं और आपका जीवन खुशहाल जिए। तो इस ब्लॉग को करने ही परेंट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।